Hello, guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about tick disorder. In my previous video, I have explained about conduct disorder in detail. If you haven't watched that video, you can check that video. So, guys, without any further delay, let's start the video. सो so गाइस जो टिक डिसऑर्डर होता है ये एब नॉर्मल इन्वॉलेंट्री मूमेंट्स होते हैं ठीक है जो कि सडनली ओके अक्कर होते हैं ठीक है एकदम से अचानक अक्कर हो जाते हैं एंड ये रिपीटिव होते हैं थीके? और इट इज़ फ्रीक्वेंटली रिपीटिव पर्पसलेस एक्टिविटी डन बाय चिल्ड्रन ठीक है एंड इसके अंदर क्या होता है जो चाइल्ड होता है ठीक है वो रिपीटिवली क्या करता है परपसलेस एक्टिविटी करता है फ्रीक्वेंटली ठीक है जिन एक्टिविटीज़ का कोई भी पर्पस नहीं होता ठीक है ऐसी एक्टिविटीज़ को करता है चाइल्ड ठीक है और बार बार करता है उन एक्टिविटीज़ को ठीक है ये एक्टिविटीज़ क्या होती है लेस होती है नेचर में नेक्स्ट जो टिक डिसऑर्डर होता है ये टू टाइप्स का होता है ठीक है फर्स्ट है मोटर एक्टिविटी आल्सो कोल्ड मोटर टिक सेकेंड है वर्बल एक्टिविटी आल्सो कोल्ड वर्बल टिक नाउ जो मोटर एक्टिविटी होती हैं ये भी दो टाइप की होती हैं ठीक है एंड जो वर्बल एक्टिविटी होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं ठीक है थीके? जो मोटर एक्टिविटी और मोटर टिक है उसके दो टाइप है सिंपल मोटर टिक एंड कॉम्प्लेक्स मोटर टिक ऐसे ही वर्बल टिक के भी दो टाइप होते हैं सिंपल वर्बल टिक एंड कॉम्प्लेक्स वर्बल टिक सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल मोटर टिक के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सो so गाइस, जो सिंपल मोटर टिक होता है ये इन्वॉल्व करता है ग्रीमैशिंग ग्रीमैशिंग होता है जैसे कुछ फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है कुछ अलग से ही चाइल्ड ठीक है उसको कहते हैं नेक्स्ट है ब्लिकिंग ब्लिंकिंग मीन्स ओपन करना आइज को फिर क्लोज करना ठीक है ऐसे नेक्स्ट है श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स जब चाइल्ड एक तरीके से रेज कर लेता है अपने शोल्डर्स को ठीक है श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स हो गया टंग प्रोट्र्यूशन हो गया एंड जम्पिंग ठीक है एंड हिटिंग सेल्फ अपने आप को हिट करना ये होते हैं कुछ सिंपल मोटर टिक नाउ नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मोटर टिंक ठीक है इसके अंदर क्या आते हैं जैसे स्क्विंटिंग हो गया स्क्विंटिंग क्या होता है लुकिंग विथ पार्शली क्लोज आइज ठीक है पार्शली क्लोज करके अपनी आइज को फिर देखना नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्वरलिंग Twirling होता, स्पिन करना राउंड वे में ठीक है होता दूसरे पर्सन के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको इमिटेट करना या कॉपी करना नेक्स्ट वन इज कोप्रोप्रैक्सिया सो ये क्या होता है इन परफॉर्मिंग ऑफ सीन एक्शन मीन्स कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्शन या जेस्चर परफॉर्म करना जैसे किसी को टच करना ठीक है विदाउट कंसेंटिंग दैम उनके कंसेंट के बिना ही ठीक है और भी इनअप्रोप्रिएट चीजें परफॉर्म करना ठीक है सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट मोटर एक्टिविटी नेग और मोटर टिक नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वर्बल एक्टिविटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्बल टिक सो so, जो वर्बल एक्टिविटी है, ये इन्वॉल्व करता है दो टाइप्स फर्स्ट इज सिंपल वर्बल टिक एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स वर्बल टिक जो सिंपल वर्बल टिक है, इसमें हो गया जैसे कफिंग हो गया बार्किंग हो गया ठीक है नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स वर्बल टिक इसमें आता है इकोलेलिया एंड कॉप्रोलेलिया सो so गाइस इकोलेलिया क्या होता है ये होता है इमिटेशन ऑफ वर्ड्स और एक्शन ऑफ अदर पर्सन ठीक है किसी दूसरे पर्सन के वर्ड्स को या एक्शन को मिमिक करना ठीक है या कॉपी करना ठीक है या इमिटेट करना ये होता है सो so नेक्स्ट जो है कॉप्रोलैलिया ये क्या होता है इसके अंदर होता है इसमें जो पर्सन होता है वो रिपीटिव अमाउंट में जो ऑप्सिन लैंग्वेज होती है इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज होती है ठीक है उसका यूज करता है ठीक है ये इन होता है एंड ये जो मेंटल इलनेस होती है उसका सिम्टम होता है ठीक है ये मेनली जो ब्रेन डिसऑर्डर है उसकी वजह से कॉज होता है सो गाइस नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टोरेट सिंड्रोम ठीक है टोरेट सिंड्रोम क्या होता है सो so, जो टोरेट सिंड्रोम होता है ये नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है ठीक है एंड ये इन्वॉल्व करता है रिपीटिव मूवमेंट को और अनवांटेड साउंड को मीन्स ये इन्वॉल्व करता है मोटर टिक को एंड वर्बल टिक को ठीक है एक तो रिपीटिव मूवमेंट हो गई एंड अनवांटेड साउंड हो गया ठीक है एंड ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है एक एंड ये मेनली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है ठीक है नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट काजेज ऑफ टोरेट सिंड्रोम सो जो टोरेट सिंड्रोम होता है इसका मेन कॉज क्या होता है सो टोरेट सिंड्रोम का मेन कॉज होता है ये मेनली इनहेरिटेड होती है ठीक है इनहेरिट होती है एज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ठीक है ये इनहेरिट करता है चाइल्ड होता है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के फॉर्म में एंड इसके कुछ अदर कॉजेज भी होते हैं जैसे कि सो so अगर किसी पर्सन का जो ईईजी रिकॉर्ड है मींस इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम रिकॉर्ड है वो एबनॉर्मल रहता है ठीक है तो भी ये मेनली कॉज हो सकता है एंड जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ठीक है हाइपर एक्टिविटी की वजह से एंड ये होता है जो एबनॉर्मल सीटी ब्रेन फाइंडिंग्स होती है कुछ पेशेंट में ठीक है उसकी वजह से भी ये हो सकता है नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ट्रीटमेंट अब इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम सो मेनली जो फार्माकोथेरेपी होती है मींस जो ड्रग्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए ठीक है सो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके लिए हेलो पेरिडोल ठीक है हेरो पेरीडोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो कि टोरेट सिंड्रोम को ट्रीट करती है ठीक है नेक्स्ट बिहेवियर थेरेपी होती है ठीक है इसका यूज़ uh, किया जाता है मेनली जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसको डेवलप किया जाता है एंड जो माल एडेप्टिव और इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है इसके अंदर so guys that's it for today i hope you understood the topic and and guys in our next video we will start another chapter organic brain disorder and thank you for watching my video and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video